कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मेरा एक सवाल है, ये इतना हताशाजनक है हमारे लिए कि हम जो मुद्दा है उससे हटकर आज बहस कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एएमयू में जब जिन्ना की फोटो लगी है आपने अभी तक उस पर आपत्ति नहीं जताई, यदि लाहौर यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की फोटो लगी होती तो पूरा पाकिस्तान दो मिनट में वो फोटो वहां से हटवा देता। देखिए इसका जवाब दूंगा मैं, नहीं सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके ही उपराष्ट्रपति जी ने इसका समर्थन किया जिसने हमारे देश में इतना बड़ा कलंक लगाया, उसको विभाजित किया, और जो आज तक वो जो मुद्दा है वो नहीं संभल पाया है उस पे हम लोग उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, ये कितना हताशाजनक। मैं बताऊं इसका जवाब देना चाहूंगा, सुनिए सुनिए एक छोटी, मैं आपके सवाल से आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा एक ही अंजना जी, अगर अगर मैं सत्ता में हूँ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, समझ ही नहीं रही मैं, सुन लीजिए ना बात, इसका मतलब समझ रहे हैं ना अंजना जी, कौन सरकार में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कौन है, भाजपा है, आप बोलिए ना, उतार लेंगे ना, हम कहा ना बोल रहे हैं, क्यों हमसे पूछ रहे हो, आप सत्ता में उतार लो, क्यों राजनीति कर रहे हो, हमने ना बोला है क्या, आप कांग्रेस की राय से कश्मीर में कुछ होता है, कांग्रेस की तीन साल आप किसके साथ बैठे, पीडीपी के साथ आप बैठे, कांग्रेस ने नहीं बोला है आपको, आपने हिंदू के लिए क्या किया, कह रहे हैं क्या किया आपने, संबित जी उस बालक ने संबित जी उसका जवाब दे दिया, हिंदू के लिए क्या किया, मुझे एक जवाब दीजिए प्लीज। एंटोनियो माइनियो के पार्टी का प्रवक्ता हिंदुओं के क्या किया, हिंदुओं के क्या क्या बार-बार नहीं बोलना चाहिए, क्या क्या बताइए, जितनी बार हिंदुओं के क्या क्या कर दिया, मैं उतनी बार एंटोनियो माइनियो बोलूंगा, आज तक आपको किसी ने एंटोनियो माइनियो आके यहां हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र क्या किया आपने, एंटोनियो माइनियो यहां आके हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, एंटोनियो माइनियो और उनका बेटा यहां आके व्यक्तिगत कमेंट से बचिए, व्यक्तिगत कमेंट से बचिए, प्लीज वापस मुद्दे पर आइए, वापस मुद्दे पर आइए, मैं एंटोनियो माइनियो बोलता रहूंगा, आपको वापस फोटो आप ही को हटाना है, संबित जी वापस मुद्दे पर, निजी कमेंट नहीं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को और सभी को मैं क्लियर कर दूं, प्लीज निजी आप लोग आरोप एक दूसरे पर नहीं, उनका नाम एंटोनियो माइनियो है, निजी नाम है उनका, अरे हिंदुओं के लिए क्या कह रहे हो, विकास का सवाल है संबित जी, एंटोनियो माइनियो गंदी बात कैसे है बताइए, वो गंदी चीज है, सोनिया गंदी चीज कैसे है, एंटोनियो माइनियो सोनिया जी का नाम है वो गंदी चीज कैसे है, योगी आदित्यनाथ का नाम ये बोलेंगे अजय बिस्ट है वो अच्छी चीज है, सोनिया गांधी जी का नाम एंटोनियो माइनियो था वो गंदी चीज है, ये गंदी चीज कैसे है मुझे बताइए, आप बताइए नाम गंदी चीज कैसे हो, जिन्ना की फोटो माफी काहे मांगेंगे, जिन्ना की बात कीजिए, एंटोनियो माइनियो हिंदू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, एंटोनियो माइनियो ने कहा हिंदू आतंकवादी है, एंटोनियो माइनियो ने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, एंटोनियो माइनियो ने कहा मंदिर नहीं बनने देंगे, सुबह से पूछे हिंदुओं के लिए क्या क्या, हिंदुओं के लिए क्या क्या, जैसे ही एंटोनियो माइनियो बोल दिया फिर इनका एकदम प्राण खैर उफट पड़ता, जिन्ना की फोटो कौन हटाएगा, ऐसे बोलूंगा ये चिल्लाते रहेंगे तो बोलूंगा, मिस्टर गुप्ता प्लीज सर, वारिस पठान जी भी आ रही हूं सर आपके पास, वारिस पठान जी जिन्ना का फोटो हिंदुस्तान को हटाना चाहिए, एक एक बच्चा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सरकार किसकी है मुझे समझाना पड़ेगा जाके, अलीगढ़ मुस्लिम सरकार किसी की भी हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समझाना पड़ेगा कि जिन्ना कौन है, देश में ये धिक्कार का विषय है कि कांग्रेस को आज समझाना पड़ रहा है कि जिन्ना का फोटो उतरना चाहिए, धिक्कार का विषय है कांग्रेस के लिए, आपको हम समझाएंगे कि जिन्ना खराब था, आपको समझाना पड़ेगा, और रोज शाम को इनको समर्थन मिलता है एलईडी के सबसे बड़ा प्रवक्ता को ये कैसे कैसे होगा, हिंदू के लिए कैसे कैसे होगा, इस नहीं एक काम बार बार हिंदुओं पे ना करें, ये ठीक बात है कि एमयू के छात्रों में खुद से ये भावना आनी चाहिए, संबित जी ये खुद से छात्रों में भावना आनी चाहिए कि इनकी तस्वीर ना हो यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है, कैराना में हमने गन्ना वसा बनाम जिन्ना का नतीजा भी देखा, आपने तो भुगता तो आपको तो पता ही होगा कि इस मुद्दे को सुलगा कर कोई फायदा नहीं होता, अंजना जी मतलब ये हिंदू पाकिस्तान कह दिया जाए शाम को एलईटी समर्थन दे दे कि हाँ हम गुलाम नबी आजाद जी के बयान के साथ खड़े हैं, पूरे जग में हिंदुस्तान की हसाई हो और हम मुंह पे चेपी लगा के बैठे रहे, कांग्रेस के ऊपर कोई आक्रमण भी नहीं ना भाई साहब, और ये कुछ कीजिए, क्या शशि थरूर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, क्या गुलाम नबी आजाद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, क्या मनीष शंकर अय्यर को जेल में डाल दे, आप बताइए क्या करें, आप बताइए आप जवाब दीजिए, जिन लोगों को हिंदुस्तान के नागरिकों के नाते क्या हो रहा है, आपको फिर से हिंदुओं के लिए क्या किया, तो एंटोनियो माइनियो जैसे के बेटे को मंदिर भेज दिया और क्या चाहिए, हिंदू बंधु बोलेंगे ऐसे ही होगा, मोदी के लिए कमेंट किए, अब मैं बोल सकता हूं मैंने नहीं बोला ये चीज, प्लीज आप लोग भाषा की संस्कृति रोज बैठकर टीवी पर आप लोग बोलते हैं फिर भी हर दिन स्तर को और नीचे गिराते चले जाते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है प्लीज अपनी नेताओं पर प्रहार कीजिए विकास के मुद्दे पर, निजी आरोप मत लगाइए, ये दोनों से मैं कह रही हूँ, वापस अमित पात्रा मेरे सवाल का जवाब उसके बाद वारिस पठान, देखिए आपका जो सवाल है कि फोटो कौन उतारेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और इससे क्या हम लोगों को नुकसान हो रहा है बीजेपी को,
मैं इतना कहना चाहता हूं, हिंदू पाकिस्तान बोल के आप याद करिए, थोड़े दिन पहले गुलाम नबी आजाद को छोटे नेता नहीं है, वो एलओपी है राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा कि इंडिया की आर्मी एक आतंकवादी मारती है और 20 सिविलियंस को मार देती है, वर्ड यूज किया नरसंहार, मैसकर करती है कश्मीर में। अगले दिन किसका सर्टिफिकेशन आया, एलईटी, और हाफिज सईद ने कहा हम गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हैं, हम यहां पे मुंह पे चेपी लगा के बैठे रहे। मैं बार बार कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, आप मोदी जी पे प्रहार करने का, आप मोदी जी पे प्रहार करिए, जरूर करिए, लोकतांत्रिक देश है, मगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ प्रहार करेंगे, आप हिंदुओं को आतंकवादी बताएंगे, आप इंडिया को हिंदू पाकिस्तान बताएंगे, इसके बाद मुबारक, कौन जवाब देगा इसका, कौन जवाब देगा? अरे माफी मांगिए, आपने मेरा पैर पकड़ा, ठीक है, हिंदुस्तान का पैर पकड़िए, हिंदुस्तान का पैर पकड़ के माफी मांगिए, यहाँ जितने हिंदू भाई है, जितने मुसलमान भाई है, उनके पैर पकड़ के माफी मांगिए, पैर पकड़ के माफी मांगिए, हिंदुस्तान में हिंदू की माफी मांगिए, आपने राजनीति के उसके नाम से, आपकी दुकान बंद होने वाली है 2019 में, मैं आपको आज जिसकी दुकान बंद है वो दूसरों की दुकान देख रहा है, जिसकी दुकान बंद है वो दूसरों की दुकान देख रहा है, हमारे लिए राजनीति दुकान नहीं है। अच्छा, इनके इनके लिए कुछ नहीं है राजनीति, होगी भी नहीं राहुल गांधी से राजनीति, जल्दी से बोलिए सर, ये बीच में ना बोले तो बोलूंगा, क्योंकि हिंदू का तो जवाब, अच्छा आप सबके बीच में बोलते रहेंगे और मैं भी, नहीं अभी मैं बोलूंगा हिंदुओं के लिए क्या किया है, ये जो सिलेंडर पहुंचाया घर घर में, हिंदू और मुसलमान दोनों, फर्स्ट टाइम आपको सवाल पूछा, जवाब पहुंचाया, ये हर हिंदू और मुसलमान के लिए पहुंचाया, हिंदू के लिए, आज तक सोनिया गांधी ने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने एफिडेविट दिया राम एग्जिस्ट, कुछ नहीं कर राम है, राम थे और राम रहेंगे, ये उत्तर हमने कोर्ट में, सोनिया गांधी जी ने कहा था राम है नहीं, तीन राम का अस्तित्व नहीं है, और सोनिया गांधी जी के कहने साथ में डीएमके ने कहा था राम सैनिक क्यों मरे, इनकी सत्ता लाल साहब में मरे, आप निकालिए वो डीएमके के साथ क्यों बैठे ये लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीएमके ने सोनिया गांधी के कहने पर ये क्यों कहा कि राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से क्यों छोड़ा आपने बताइए, वारिस पठान जी, मेरा सवाल आपसे, आपका सवाल मैं ले रही हूं, वारिस पठान जी, 15 मिनट पूरी हिंदुओं को मारना भी तो, वारिस पठान जी एक सेकंड, वारिस पठान जी सवाल मेरा यह है कि अगर हिंदू पाकिस्तान कहते हैं शशि थरूर, उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति एक बार फिर से नए सिरे से कहते हैं कि जिन्ना की फोटो लगने में कोई खराबी नहीं है, क्या ये देश का अपमान नहीं है सीधे सीधे? देखिए अंजना जी, हिंदुस्तान एक महान देश था, है, रहेगा, पाकिस्तान ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदा कानून रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ संबित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता की लड़ाई, और ये जिन्ना के लड़ाई, मुझे जिन्ना से क्या करना, मैं तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के यहाँ पर बैठा हूँ, आपके चैनल के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ इनके साथ, वो चले गए जिनको जाना था, अडवाणी जी गए जिन्ना की कब्र पे, मेरे बाप दादा तो वहां पे नहीं गए, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जो इतना चिल्ला पुकार कर रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि 70 साल में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, बताइए मुझे, अरे आपका दारू के साथ में क्या बोल रहे हैं, आप मानते हो नहीं मानते हो, क्या बोल रहा है आपका, हर साल 2014 में भी इसी तरह गए थे राहुल गांधी, 100 इंटेलेक्चुअल्स को मिले मुसलमानों को, नतीजा क्या आया, गुजरात में क्या मिला, कर्नाटका में जो मुसलमान एमएलए थे वो भी कम हो गए, फिर से आपने 2019 के पहले शुरू कर दिया इंटेलेक्चुअल्स को मिलना, अरे जनता जनार्दन है सब समझती है, आपका दुकान बंद है, आप तो तिल मिलाएंगे, दुकान तो छोड़िए, रेडी पटरी लेके निकले हैं, वो भी नहीं चल रहा है, जय श्री राम बोले पर आपके पास जवाब नहीं है, हिंदू के लिए क्या किया, अंजना जी तारीफ करके आप एक बार जय श्री राम तो बोल दीजिए, जय श्री राम, हां दो बार और एक बार, जय हनुमान, जय श्री राम, आप बोलिए, फिर से क्या किया, बोलिए 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 बोलिए, अरे एक बार बताइए, जय श्री राम बोलिए, बोलिए ना, जय श्री, चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं, कुछ नहीं जवाब, थोड़ा मान लीजिए बड़ी पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो आए थे उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि 2019 तक कम से कम 1 करोड़ रोजगार पैदा होगा, तो उसका स्टेटस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना रोजगार अभी तक पैदा हो चुका है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देता हूँ, जहां तक रोजगार का विषय है, मुद्रा योजना के माध्यम से 12 करोड़ लोगों को 4-5 लाख करोड़ रुपया का लोन दिया गया, ये स्वरोजगार का एक योजना, दूसरी बात है जहां तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा की बात है, आपने देखा अभी ईपीएफओ के डाटा आए थे, ईपीएफओ के डाटा के हिसाब से विगत एक वर्षों में मोर देन 41 लाख ये नौकरी मिली है, आपने एक छोटा सा आंकड़ा अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी जब उत्तर प्रदेश जाके उन्होंने एक सबसे बड़े फैक्ट्री सैमसंग का जो मोबाइल फैक्ट्री है उसका इनॉग्रेशन किया था, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी उस समय देश में मात्र 2 मोबाइल कंपनीज थी, आज आपको जान के खुशी होगी कि 120 मोबाइल कंपनी है और उसी अनुपात में नौकरी मिली है, स्वरोजगार नौकरी बोलो, मैं बोल उत्तर भी दे रहा हूं तो परेशानी इनको है, राहुल का नाम लिया मैंने अभी तक, नौकरी लिया फिर भी ये परेशान है, मेरे सवाल का जवाब तो दो,
पॉलिटिकली जो लोग बेरोजगार है कुछ नहीं कर सकते, मुझे नौकरी बेरोजगार है कुछ नहीं कर सकते। मैं नागरिक हूं, मुझे नौकरी दीजिए, आप नौकरी नहीं दे पाए, आइए आपको बीजेपी में नौकरी देंगे, आइए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, आपको बीजेपी के ऑफिस में नौकरी देंगे, आइए आइए आपको नौकरी, राहुल गांधी को नौकरी में रखे हुए हैं, देश में घूम रहे, अगर नहीं है तो आप बेरोजगार है, आइए हम देंगे नौकरी, आप चिंता मत करिए, नोटबंदी के कारण करिए यहाँ पे सब लोग नोटबंदी, नोटबंदी करके तो उत्तर प्रदेश में 5 सीट मिली है, उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे जीएसटी को, क्या हुआ गुजरात में गया गब्बर सिंह की हत्या हो गई, गुजरात की जनता ने गब्बर सिंह की हत्या कर 10 लाख दे पाए गुजरात, अरे भैया काहे चिल्ला रहे हैं, नौकरी है ही नहीं आपके पास, जो लोग पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, 2019 में आप अपनी नौकरी ढूंढ लेंगे, बेरोजगार होने वाले हैं। दोनों पार्टी से है कि अभी हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि वुमन की सुरक्षा के मामले में हमारा देश और नीचे गिर गया है, ये मुद्दा न बनके जिन्ना की फोटो उतारना चढ़ाना मुद्दा बना हुआ है, ये सोचने वाला मुद्दा नहीं है, औरत की सुरक्षा भी ये मुद्दा नहीं है हमारे देश का। देखिए अंजना जी जहाँ तक आप ताली बजा रहे हैं, अंसारी जी ने छेड़ा है मुद्दा, बिल्कुल ये महिलाओं का मुद्दा कहाँ बात कर रहे हैं, मैं ताली इसलिए बजा रहा हूँ कि ये लड़की ने जो सवाल पूछा एजेंडा वही होना चाहिए, सबको बताइए ना सर, यही तो मैं शुरू से कह रही हूँ, उनके साथ नहीं है बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुद्दा क्या होना चाहिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए, आप जवाब दीजिए। अंजना जी आपको याद होगा कि इसी विषय पर रोज 5 रेप हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग, आपको याद होगा अंजना जी की इसी विषय पर जो सीरिया से भी बदतर हालत इंडिया की बताई गई थी, जो फर्जी रिपोर्ट था उसके ऊपर हम लोगों ने आप ही के साथ, मैं भी था, हमने डिबेट किया था, कांग्रेस से भी खुशबू सुंदर जी आई थी, आपको याद होगा, तो हमने डिबेट किया था, आज का विषय का डिबेट इन्होंने दिया है, हिंदू पाकिस्तान क्यों बोला, आप बोलते हमें महिला सुरक्षा चाहिए, आज सुबह दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जियाउल हक है, सुरक्षा का आप बताइए नरेंद्र मोदी जियाउल हक है, वो पूछे नरेंद्र मोदी जियाउल हक है, ऐसा बोलने का अधिकार किसी को है, आप माफी तक नहीं मांगेंगे, सुबह से उठकर इंडिया और हिंदू को गाली देना शुरू कर देंगे और फिर बोलेंगे मैं नौकरी पर डिबेट करना चाहता हूं, जवाब ही नहीं, कैसे नौकरी पर डिबेट करेंगे भैया, आप निकालिए पार्टी से जवाब है, ना युवाओं के लिए जवाब है, ना किसानों के लिए जवाब है, सीधा आप अपनी राजनीति राहुल गांधी को निकालिए, आपके पास डिबेट करने आइए, आप सिर्फ राजनीति राहुल गांधी बोल रहे राहुल गांधी सोनिया गांधी के सिवा कुछ है ही नहीं, उसकी लड़की का जवाब आपके पार्टी में कौन है राहुल गांधी के सिवा बता दीजिए मुझे, क्या किया आपने आपके पार्टी में, राहुल गांधी चलाइए आपकी दुकान 2019 में बंद होने वाली है, अरे पार्टी आपकी बंद, आपकी दुकान बंद हो, उत्तर प्रदेश में 2 सीट मिलने वाली नहीं है, आप जीरो पे पहुंच गए दिल्ली में, बड़ा मॉल खोल के बैठे हुए हैं, बोलिए इनको चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है, आपकी आवाज जा रही है बैठे दुकान सबकी बंद, सर मेरा सवाल भाजपा के कार्यकर्ता से है, सर मेरा सवाल यह है कि आपने बोला कि उनकी फोटो जिन्ना जी की फोटो उतार जिन्ना जी की फोटो, सॉरी सर आप जनता है सम्मान करता हूँ, उनकी जिन्ना जी मैं नहीं मानता जिन्ना जी को, सर मेरा सवाल ना ना सवाल आपका ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मगर जिन्ना को जिन्ना कहिए, जिन्ना जी नहीं है वो, ओसामा जी, हाफिज जी, जिन्ना जी वो जिन्ना जी नहीं है, जिन्ना जी की फोटो जिन्ना जी नहीं, जिन्ना जिसने हमारे देश को तोड़ा, जिसने हमारे देश को, आप लोग परेशान हो रहे हैं, मैं जिन्ना आप मैं जिन्ना को जिन्ना कहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्ना जी, जिन्ना जी, ओसामा जी, हाफिज जी, डॉक्टर उनसे आपने कहा कि जिन्ना की फोटो उतार के फेंक देनी चाहिए और जला देनी चाहिए, बिल्कुल जला देनी चाहिए आवाम को, बिल्कुल, मेरा ये सवाल है कि सर हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का और हिंदुओं का साथ में साथ मिलके उन्होंने आजादी पाई, तो जिन्ना ने आजादी दिलाई, तो सर उन्होंने जिन्ना ने आजादी दिलाई, सर सब उन्होंने जिन्ना ने देश को बांटा, आज मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि इस देश में कांग्रेस के कारण युवा तबका में यह फैलाया गया है कि जिन्ना जी महान है, बताइए ना कि जिन्ना जी ने आजादी दिलाई, आप ये अवस्था कांग्रेस ने देश में किया हुआ है, आप जानते हैं हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में लोग हंस रहे होंगे, उसका जवाब ये पाकिस्तान में लोग हंस, आप लड़की सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोला कांग्रेस के प्रवक्ता को, देखिए व्यूअर्स मेरे मुंह पे जिन्ना जी हिंदू के लिए क्या जी आप बोलो, तो लड़की का जवाब दीजिए, रोजगारी का जवाब दीजिए, किसान का जवाब दीजिए, नहीं है जवाब, हिंदू का जवाब नाराज हो रहे हैं, आप हिंदू का जवाब दीजिए, क्या किया हिंदू के लिए, बताइए क्या किया हिंदू के लिए, इसको नहीं इनको, आप रिस्पेक्ट से नहीं, इसको नहीं कांग्रेस को, इसको नहीं, बोल नहीं, इसको रहा हूं, कांग्रेस को बताओ, इज्जत से बात कीजिए, कांग्रेस को बताओ, आप व्यक्ति का इस कांग्रेस से नहीं, ये कांग्रेस नहीं आजादी की लड़ाई है, सवाल को रागी जी जरा आगे लिए चलते हैं, क्या एक तरफा इतिहास बच्चों को पढ़ाया गया था इस देश में, क्या एक तरफा कांग्रेस पार्टी की इच्छा के अनुसार इतिहास पढ़ाया गया देश में युवाओं को, क्या हिंदू के लिए जवाब नहीं, और प्रवक्ता है सबसे बड़े राष्ट्र के,
कुछ मालूम नहीं है। हिंदू की राजनीति कर रहे हैं क्या? इनके पास जवाब बताइए मुझे, हिंदू के हम तक बन रहे हैं क्या? जवाब है उस गुजरात में जब युवा मरे थे तब चुप बैठी थी भाजपा, किसान मरे तब चुप बैठी है भाजपा, युवा महिला मरी तब चुप बैठे, कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? मैं हिंदू जवाब खुश हो गया, राजनीति कुछ करके दिखाइए फिर हिंदू की राजनीति कीजिए, ये तो देश का हिंदू इतिहास बोलिए, देश का हिंदू साथ नहीं माफ करेगा, परिवार मेरे बस की भी नहीं है, जाके मुंह बंद करना चाहिए। अगला सवाल लो, कुछ और सवाल सुनिए सर। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है सर, जैसा कि अभी आपके नेता ने कहा था शशि थरूर जी ने, तो सर आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी को गिराने के चक्कर में आपकी सरकार और गिर चुकी है? इसका जवाब देना चाहिए, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा मैं उनके, देखिए उन्होंने जो बात की मेरा उसका एक ही जवाब है, कल भी हमने बोला कि किसी प्रकार के भी स्टेटमेंट से हमारा मुद्दा है विकास का, आपने बोला था विकास पागल, आप इसमें मत बोलिए ना, आपके पास हिंदू का जवाब हो तब बोलिएगा, आप दिखा रहे हैं आप बोल चुके हैं, संबीत जी आज एक्सपोज हो गए, आज आपकी खुल गई पोल, कुछ नहीं है आप, कुछ नहीं है तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, क्या किया चार साल में कुछ नहीं कर पाए, आप बोल रहे हैं आप अंग्रेजों की पार्टी हो, जवाब दे रहे हैं जी, सुन लीजिए सर, और बांटो और राज करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं देंगे, बांटो और राज करो, यही है भाजपा, ये अंग्रेजों के राहुल गांधी के कहने पर, ये आप अंग्रेजों के वंशज हो, मोदी की सरकार को गिराना होगा, जानते हैं लोग आपको मोदी क्या होगा, आप देखिए 2019 का बात मोदी के लिए बात बोल रहे थे, आज हर आदमी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान, तो केवल राहुल गांधी है, हर आदमी परेशान है, परेशान तो केवल राहुल बाबा है भैया, राहुल बाबा परेशान, हिंदू का मालूम नहीं है अंजना जी, पर राहुल जी का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, मुझे लगता है डॉक्टर संबित पात्रा जो डॉक्टर की डिग्री है ना राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी में क्या डॉक्टर आपको इसी का प्रमोशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, डॉक्टर संबित पात्रा जो है रेडी से, आपका थीसिस कौन से पे संबित जी, रेडी से किस पे, आपका थीसिस किस पे, से कोका कोला और आलू से क्या सुना, मजाक करो आलू डालो सुना, आलू डालो करो, आपने मेरे साथ सुना अंजना जी, आपकी और मेरी पहली डिबेट में ये साहब ने बोला था आलू पेड़ में उगता है, दिखाओ आपको मेरे पास आलू पेड़ में उगते हैं संबित, डॉक्टर संबित पात्रा का नॉलेज था कि आलू पेड़ पे उगते हैं, आलू पेड़ पे उगते हैं केवल राहुल गांधी कह सकते हैं, दिखाओ बताऊं आपको, नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको चाहिए था क्लोजअप की, आप भेजिए भेजिए, नहीं अभी भेजता हूं, अभी भेजिए, सुन लीजिए बात, और मूंगफली भी कहां उगता है राहुल गांधी जी बता दीजिएगा, आप मूंगफली और कोको कोला में रहिए, देश आगे बढ़ जाएगा।